एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो गुरु जी। हर महादेव, हर हर महादेव। कौन? मैं स्वाति बोल रही हूँ, मधावली से, फरीदाबाद हरियाणा से। फरीदाबाद से? जी स्वाति जी, बताइए किसके बारे में जानना है? मेरे को अपने हस्बैंड, मतलब मेरा नाम वैसे तो यहाँ पे स्वाति बोलते हैं, जन्म पत्री के हिसाब से डॉली है। अरे आपका नाम कुछ भी हो, पति देव का नाम बताइए, उनके बारे में जानना है। दीपक अच्छा, दीपक गर्ग है। गर्ग, उनकी तारीख समय बताएं, उनका समय तो नहीं है, तारीख समय वगैरह कुछ। 17 फरवरी 1983। 17/2/1983 समय क्या है? ये समय तो नहीं पता, ऐसा कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं है ये पत्री। अच्छा, तारीख भी कंफर्म नहीं है? तारीख तो कंफर्म है। नहीं तो तारीख कंफर्म पर समय कंफर्म नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। मेरा तो नहीं, खुद का अपना है। किसके बारे में पूछना है, दीपक जी के बारे में या आपके बारे में? अगर आप मेरी पत्नी के हिसाब से मेरे हस्बैंड के बारे में बता दो तो वो बता दीजिए। अरे हम ऐसे ही बताए, हम आपकी आवाज से आपके पतिदेव के बारे में बता दे रहे। तो ठीक है, आप ऐसे ही बता दीजिए चलिए, मेरे को। आपके पतिदेव आसपास हैं क्या? हाँ जी है। हम आपसे बात कर रहे हैं और आपके पति के बारे में बता रहे हैं। अच्छा जी, आपकी आवाज से आपके पतिदेव के बारे में यह बताया जा सकता है कि यह परशुराम की तरह एक क्षण में नाराज हो जाते हैं और एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। सही है कि गलत? सही है जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ अच्छा, आपके पतिदेव को, आपके हाँ पतिदेव को दुबले पतले लोग पसंद नहीं आते। सही बात है कि गलत है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पतले लोग पसंद आते हैं। नहीं, ये बात गलत है, इसको आप गौर करिए। अब उनसे पूछिए कि मान लीजिए एक लंबे चेहरे का दुबला पतला सा बच्चा है और एक गोल मटोल भरे चेहरे का बच्चा है, उनसे पूछिए हाँ, कौन सा पसंद है। गोल चेहरा, गोल चेहरा पसंद है। हाँ, ये बात अरे सही है आपकी। बहन जी, हमारी बात गलत होती नहीं है, हम कई कई बार चुप हो जाते हैं जानबूझकर जब हमें किसी का कुछ नहीं बताना होता। तो आप समझिए, हमें जब ऐसा लगता है कि कोई बहुत अहंकारी है या बहुत परीक्षा ले रहा है, देर ज्ञानी बन रहा, तो हम मौन हो जाते कि जाने दो किनारे, क्या करना हम। नहीं, आपकी बात सही है, ये बात सही है। मतलब पतला सा चेहरा पसंद नहीं आता, उनको गोल मटोल चेहरा पसंद भी है। ठीक है, अब ये बताइए, 2014 से 17 के बीच आपके पति देव का अचानक वजन बढ़ने लगा था, ये आपकी आवाज बता रही है? वजन वजन बढ़ा था। हाँ, वजन बढ़ा था 3-4 किलो। अब 4 किलो बढ़े चाहे 14 किलो बढ़े, वजन वजन बढ़ा था, और अभी आपके पति देव के सिर पर अब कर्ज बढ़ने वाला है। सावधान, अच्छा जी, अब कर्ज बढ़ने वाला है और आने वाले समय में परेशानियां मुश्किलें बढ़ेंगी और इनको असफलताओं के संकेत मिलने लगे हैं। क्या जानना चाहती? सही है बातें, क्या जानना चाहती? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, यही बातें। तो यही हम कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में आपके पतिदेव के पास 70% फोन बजेंगे कर्जदारों के, 1 साल के बाद। कर्ज भरेगा मतलब? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल, उसका उसके उसका आगाज हो गया है, शुरुआत हो गई है। आप पूछ लीजिए, हमारी बात गलत है कि सही है, पूछ लीजिए। नहीं, सही है, आप सही कह रहे हो उस बात को। अब देखिए, पत्नी की आवाज सुन रहे हैं, पति का भाग्य बता रहे हैं, हाँ, है ना, बड़ी रहस्य की बात। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो ये हमारा अपना कुछ है, जो भी है भगवान की कृपा से, अब इसको ज्योतिष कहें जो कहें या सिद्धि कहें कृपा कहें, जो भी आप लोग नाम दें, ये महादेव की कृपा है। क्या जानना चाहती हैं बताइए। मेरे को ये जानना है गुरु जी कि मतलब मेरे पति का काम एकदम तो अच्छा चल जाता है, एकदम ही बिल्कुल नीचे गिर जाता है। मतलब ऐसा नहीं रहता, मतलब बारह मास ऐसा ही चले काम, ये चीज नहीं रहती। देखिए इनके देखिए आपके पति देव के भाग्य में एक योग है, जिस योग के चलते लगभग लगभग साल, सवा साल, 1.5 साल में इनके जीवन में जिगजैग आता रहता, सुनामी टाइप की, फिर आए फिर गए फिर हाँ आए, तो कभी कभी तो ऐसा लगेगा, इनको लगेगा कि कितने लोग लगाकर काम कराएं, कभी कभी लगेगा हम ही को कोई काम पर रख ले। हाँ हाँ हाँ
तो ये इनके साथ पुरानी समस्या है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा इनकी एक लापरवाही और है, इसको आप ध्यान दें, हालांकि लापरवाही कहें या भाग्य कहें, आप ये पूछिए इनसे, ये और आप जानती होंगी कि आपकी आवाज बताती है आपके पति देव जरूरत से ज्यादा सेंटिमेंटल, जरूरत से ज्यादा भावुक है, इमोशनल है, राइट? हाँ राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके पति देव को पेट में तकलीफ रहेगी, पेट में हाँ है तकलीफ। आपके पति देव को पांव हाथ में दर्द रहेगा, हाँ रहता है, कंधे में रहता है। अरे अरे आवाज आप, आवाज आपकी, तकदीर पति देव की, भविष्यवाणी विनोद दुबे की सुनिए, आपके पति देव को विटामिन डी थ्री की और कैल्शियम की कमी है हड्डियों में, विटामिन डी की और कैल्शियम की, हाँ सही बात है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब हम आपकी आवाज से आपके पति देव के शरीर के विटामिन बता रहे हैं, आप समझिए किस लेवल का काम है, ठीक है? हाँ जी हाँ। आपके पति देव को एसिडिटी की भी शुरुआत हो गई है, जिसे गैस कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, होगी। अब आप समझ जाइए, अब क्या जानना चाहती बताएं, बात बढ़ती जाएगी तो बहुत कुछ भेद खुलते जाएंगे, इसको छोड़िए काम की बात कर लें अपन। जी मेरे को गुरुजी ये जानना है, मतलब इनका काम अच्छा चले, मतलब काम से ज्यादा परेशान हो और शरीर स्वस्थ रहे इनका। देखिए पहली बात तो ये है कि इनका शरीर स्वस्थ रहे इसकी गारंटी नहीं है, फिर भी ऐसा करिए, आपकी आवाज से हम दो बातें समझ ले रहे हैं, एक इनको माणिक पहना दीजिए और एक इनको चंद्रमणि पहना दीजिए। एक माणिक और चंद्रमणि, अगर रत्न आप कहीं से लेती हैं तो खरीदने के पहले उनकी फोटो वीडियो हमारे पास भेज दीजिए व्हाट्सएप में, बता दीजिए कि लाइव में आपने बताया था और ये पहनाने हैं, हम उनको देख कर ओके कर देंगे तो पहनाइए, नहीं तो इसका एक नुकसान है, फायदा सोनी का होगा, सोनी व्यापारी पैसा कमाएगा, जो भी व्यापारी होगा वो सोने चांदी वाला आपसे पैसा कमाएगा, गलती आपकी होगी, नाम हमारा खराब होगा कि उनने बोला था फायदा नहीं हुआ, रत्न गलत पहनाया, किसी ने पैसा कमाया, गलती कोई की, बदनाम ज्योतिष। और हम कोई भी रिस्क नहीं लेते कि जिसमें ज्योतिष शास्त्र का बदनाम हो, हमारे आपके जीवन का क्या, ये तो मनुष्य जीवन है, आता जाता रहता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र हमारी जो धरोहर है पूर्वजों की, वह बदनाम नहीं होनी चाहिए, उसका नाम बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, राइट है? तो आप ध्यान रखिए कि अच्छा रत्न माणिक और अच्छी चंद्रमणि इनको पहनानी है, इसकी फोटो आप लेकर भेज दीजिए, हम ओके कर देंगे तो आप धारण करा दीजिए, बाकी कोई बात, ठीक है? अपने पति देव को फोन दे दीजिए, वो बात कर लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये आपको दो रत्न धारण करने हैं, ठीक है जी गुरु जी। सूर्य भगवान की आराधना करें और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलिए अपने, हाँ बताएं, हाँ जी गुरु जी, और बताइए जी, अब और क्या बताएं, बाकी सभी कुछ बता दिया मेरे ख्याल से, काम की और पता कर, क्या काम करना चाहिए। अब जो भी आप कर रहे हैं उसको मन लगा के करें, आपके साथ एक समस्या है कि आप किसी भी काम को बहुत मन लगा कर नहीं करते, बीच बीच में आपके विचार बदलते, इसलिए आप असफल होते हैं, ठीक है गुरु जी? मैं तो वैसे 18 साल से एक ही शॉप कर रहा हूँ, बांध रखी का ही काम है मेरा। नहीं बात ये नहीं है, बात ये है कि बीच बीच में आपके विचार बदलते हैं और इसको सुधारना चाहिए, मन लगाकर आप काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेलो गुरु जी, हाँ बेटा। हेलो गुरु जी, मेरे को ये बुझाती बेटी के बारे में फिर कभी दोबारा, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। धीरे सही है मेरी तबीयत, एक बार मेरे को अपनी बेटी के बारे में बहुत पूछना था। नहीं उसके लिए दोबारा कभी कमेंट करिए, फिर देखते हैं, ठीक है? चलिए एक चीज बता दीजिए बस मेरी बेटी के बारे में गुरु जी। एक बार में एक ही व्यक्ति का बताते हैं, आप ध्यान रखिए, बहुत लोग कतार में होते हैं। देखिए इसको भगवान महादेव की, भगवती की कृपा कहते हैं, पत्नी की आवाज और पति देव के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी, और जो जो बातें एक एक बात सही, आवाज पत्नी की और पति के शरीर में कौन से विटामिन की कमी है वह पत्नी की आवाज से पता चल जाए
तो अब ये ज्योतिषी लोग भी मान बैठे कि ये ज्योतिष विद्या तो नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में ये बात कहीं आती नहीं है। तभी हमारे पास लोग आकर बोलते हैं कि गुरुजी ये ज्योतिष में तो नहीं आता, ये आपको महादेव की सिद्धि है। तो हम कहते हैं जो आप जान लें, ज्योतिष मान लें या महादेव की सिद्धि, दोनों में कोई हर्ज नहीं। महादेव हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनके सेवक हैं, रोज शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन आराधना करते हैं, उन्हीं की कृपा से यह ज्योतिष ज्ञान प्राप्त है और भगवान की कृपा है।